आप लोगों को ये देखने में अच्छा लग रहा होगा बट ये बना एकदम गंदा है। सच चीज़ है, मेरा पैर गंदा वाला कट गया। हमको लगा कि हाथ पे सुई देंगे लेकिन गलत जगह दे दिया। स्टेशन पे बाइक लेते आया। तो हे हेलो एंड वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग गाइस। सो आज हम व्लॉग अपना शुरुआत कर रहे हैं अपने कॉलेज से। हमारी क्लासेज अभी खत्म हो चुकी हैं और अब हम निकल रहे हैं बाहर। और बाय द वे मौसम देख लो कितना अच्छा है आज का। तो आज दिहाड़ी से निकल रहे 9 से 5 जो दिहाड़ी लगा के जाते हैं हम क्लास से वापस आ रहे हैं दिहाड़ी लगा के तो खैर आज का प्लान हमारा कुछ अलग है। आज मैं नहीं जा रहा रेलवे स्टेशन, तो आज वापस हम जा रहे अपने दोस्त के घर। भाई साहब सीन अभी गलत हो गया, जैसे ही मैं स्कूटी पे बैठा मेरा पैंट वो पूरा फट गया भाई। अब सोचो ये तौलिया निकालना पड़ा है ताकि जैसे ही उतरेंगे लपेट के जाएंगे, नहीं तो यार इज्जत का समझ ही रहे हो ना। ये देख रहे हो इसका स्थिति क्या हो रखा है, इतना दूरी तक फटा हुआ। सोच लो हम कैसे आए हैं, बस इसको जाते हैं फटाफट से सिलवाते हैं। ड्रेस चेंज करके मैं तो निकल चुका हूँ, फटाफट से कोई दुकान देखता हूँ सिलवाते, नहीं तो मेरा टेंशन दूर नहीं होगा सच में। ये मिल गई शॉप होपफुली। देख रहे हो यहाँ पे कितना अच्छा माहौल है, सारे लोग अपना मस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। बट एक बात आप लोग को बताना था, वहाँ पे हम दे तो दिए हैं पैंट, सिर्फ 30 रुपये लग रहा है, इतना कम, हमारे यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सस्ता। और एक और बात कि वहाँ पे आंटी जी थी, तो पूरा यहाँ पे दुकान जितनी भी ट्रेलर का ना सारी लेडीज ही चलाती, तो वहाँ पे जाके कहीं वीडियो बनाते उनको भी अजीब लगता है, तो इसलिए हम नहीं बनाए वीडियो। अले देखो मेरे पास कौन आया है अले 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 यार, हम सोच रहे हैं इली का भी मीटिंग और उसको भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे हो। शू अले बाबू अले 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 अले, उसकी मम्मी देखो वहाँ बैठी, अरे सारे बच्चे आ गए इधर ही, कितना ज़्यादा अच्छा ये सोसाइटी है भाई। देखो मम्मी यहाँ पे है इसकी मस्त, और दोनों बच्चे इधर खेल रहे हैं। पता है यहाँ से हमारा ज़्यादा चांस है कि हम पहले कुछ खाने के लिए जाएं और आज ही हम निकल भी जाएं स्टेशन के लिए, तो देखो क्या होता है। भूल ही गए, आधा घंटा का टाइम दी थी हमको, पैंट भी लेने जाना था, फटाफट से दौड़ के जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि दुकान बंद कर दी हो वो। अरे दुकान बंद है क्या, मेरी पैंट यहाँ पड़ी है। कुछ जुगाड़ करते हैं और फटाफट से पैंट लेते हैं अपना। ओ भाई साहब अभी जान में जाना है, आंटी जी अच्छे से एकदम कपड़ा मेरा सील लिए हैं। हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं यहाँ का फेमस रोल खाने के लिए। रोल कुछ ऐसा है कि सस्ता भी है और बेस्ट भी है, तो देखते हैं कैसा है। भीड़ देख के तो यहाँ पे तो लग तो रहा है कि अच्छा ही मिलता होगा रोल, बाकी प्राइसेस देख लेते हैं हम लोग इधर ही। हमने ऑर्डर दिया नहीं, तुरंत हमारा चिकन रोल भी मिल गया। पहले उसको अनबॉक्सिंग करके आप लोग को दिखाते हैं कि फीलिंग क्या है। ये देख लो भाई साहब, अंडा ऊपर से अच्छा खासा चिकन है। कितने का है? 60 रुपए का। और भाई साहब देख लो कितना बेस्ट है, डबल डबल एक का है ना, देख लो गाइस बेस्ट है, गाइस बेस्ट। डबल ने 3 अंडे। यहाँ से तो खाली है रोल, अब हल्का सा अंदर घूम लेते हैं। एक सेकंड यार, हाँ ये भी काफी ज्यादा फेमस छोटा सा मार्केट है, तो देखते हैं कैसा है। बहुत छोटा सा, यहाँ पे क्या ही ब्लॉग बनाया हम। और भाई साहब हमारे वाले मॉल से तो काफी ज्यादा बड़ी और अच्छी भी, यहाँ पे काफी ज्यादा सामान है और शायद से सस्ता भी है। Nice. यहाँ पे तो वेजिटेबल का भी सेक्शन है, फ्रूट का भी सेक्शन है, और तो अरे डेयरी का भी सेक्शन है भाई, सब कुछ है। फ्री का यहाँ पे पानी भी पी सकते हो। अब बताओ वापस से घर की ओर। मौसम तो दिन भर खराब ही रह रहा है इधर, पता नहीं क्या सीन है, बट प्लान कुछ और है आज, देख लो आप लोग। आए हाय लाइट आ गया भाई, क्या किस्मत है। देख रहे हो अंडा का सेल कितना ज्यादा कमजोर है। एक अजीब रसायन हमने तैयार किया है, बस मैगी डालना है इसमें, डालो। आप लोग को ये देखने में अच्छा लग रहा होगा बट ये बना एकदम गंदा है, सच बता रहे हैं, बिलीव मी। और ये देखो ये अंडा एकदम आधा पका हुआ बना है। और आप लोग को एक खतरनाक चीज़ दिखाते हैं, इसका हालत देख रहे हो क्या हो रखा है, इंडक्शन बनाने का देखो नतीजा। खाना बनाया भी अच्छे से, खाया भी अच्छे से, और मूड भी अच्छे से ख़राब हो गया। सोच रहे हो कैसे हम सोने जा रहे हैं, सोचे थे अच्छा खाना खा के सोएंगे बट पूरा मूड खराब हो गया। खैर सुबह में आप लोग से मिलते हैं, आप लोग को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। पता नहीं क्यों हम छत पे आए हैं ऐसे ही घूमने के लिए जस्ट, बट हम अंदर से खुश नहीं फील कर रहे हैं इस घर पर। हम मुश्किल से एक दिन से भी कम ही रहे होंगे इस घर पर। आज से हम वापस से शुरू कर रहे हैं अपना स्टेशन का लाइफ। आज जाएंगे कॉलेज, कॉलेज से डायरेक्ट स्टेशन ही जाएंगे, तो आप लोग देखना वहाँ जाके ही सारा मस्ती मौज होगा आपसे। अगर यहाँ पे बाई चांस आए भी तो कुछ देर से भी कम ही रहेंगे, नहीं रहेंगे यहाँ पे ज़्यादा देर, तो पता नहीं क्यों उनको अंदर से खुशी नहीं मिल रहा है। तो अभी हम नहाते हैं और चलते हैं कॉलेज। चलो अब चलते हैं कॉलेज। हाय 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 बद्दोबद्दी, आज हमारा यूनिवर्सिटी कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ना। ये टाइम दिखाना तो 5। अरे भाई साहब ट्रेन तो छूट गई, 5-10 में पहुंच ही नहीं पाएंगे हम, कितना भी कोशिश कर ले। आप लोग को जस्ट 2 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि मैं जा कहां रहा हूं। ड्रॉप तो मुझे यही करेगा उस लोकेशन पे। और ये देखो हम किधर आए हैं, बर्गर किंग। मैकडी का तो ट्राई मैंने करके देख चुका है, वो 100 रुपए वाला जो ऑफर आता है, 103 ऐसे ही पड़ता है करीब,
बट आज इसका देख रहे हैं, ये देखो ऑफर पे ऑफर चला हर जगह, स्टिकर बैनर लगा रखा है इन्होंने, देख रहे हो 79 का और 99 का। तो आज चल के ट्राई करते हैं। ऑर्डर मैं यहाँ से कर रहा, अरे ये क्या आ गया, ये भी देखो सेम प्राइस पे पड़ा 103 जितना मैकडोनल्ड का पड़ रहा था। अब देखना अंतर क्या है यार। पता नहीं मैंने कैसे टेबल सर्विस ले लिया, मुझे पसंद नहीं है टेबल सर्विस, मुझे सेल्फ सर्विस ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कोई लाता है ना खाना तो अजीब, मतलब हमको अजीब लगता है, हमको पर्सनली हमको सेल्फ सर्विस ज़्यादा पसंद है। तो जी मेरी ऑर्डर आ गई, अब टाइम टू टेस्ट। एज ऑलवेज सिंपल सा है, बट कोई नहीं, टेस्ट मैटर करता है। मैकडी और बर्गर किंग अपने अपने जगह पे दोनों ही बेस्ट एकदम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मजा आ गया। खाना पीना तो हो चुका, अब चलते हैं वापस से रेलवे स्टेशन। बाहर तो निकल चुका हूँ, अब किसी से लिफ्ट मांग के चलते हैं पहले डायरेक्ट स्टेशन। वापस से आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन। एक बात बताना था, सबसे पहले तो हम कपड़ा चेंज करेंगे अपना इधर ही वेटिंग रूम में। दूसरा यार पेट नहीं भरा मेरा, लिटरली मैं दो बर्गर खाया उसके बाद भी। वेटिंग रूम में तो देखो आ चुके हैं हम। बाय द वे इस रूम का लाइट लग रहा है खराब हो चुका है, इसलिए कोई नहीं है यहाँ पे, तो बेस्ट टाइम है मेरे लिए कपड़ा चेंज करने का। ड्रेस तो चेंज कर लिया, अब देखो आगे का प्लान क्या बनता है। पहले आप लोग को एक बात बताना था कि हम थंबनेल में तो ऐसे डालने होंगे कि डे वन डे टू ऐसे करके, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दो तीन दिन ही सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे स्टेशन पे, ऐसा नहीं है। हम सर्वाइव तो ऐसे 15-20 दिन के लिए करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो बाय द वे ये देखो आज यहाँ पे नहाने के चक्कर में ये जो है ना टीना दिख रहा है ना, ये वाला टीना, ये वाला, तो इसी से मेरा पैर गंदा वाला कट गया। सोच रहे हैं कि टेटनेस का सुई दिलवा लें, नहीं तो सर्वाइविंग करते करते मालूम चला कि अरे ये तो 5 ही बजे बंद हो जाता, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी सस्ते में दवाई मिलता। पाई की दुकान तो नहीं मिल पाई, लेकिन दारू की तो मिल गई। तो मम्मी नहीं दादी बोलती थी कि जब भी बीमार हो जाओ तो दवा दारू करो। तो यार समझाओ हमको, हम कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा। 100 गली घूमने के बाद और 3-4 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली अब मेडिसिन की दुकान दिखने लगी। गन रिलोड है, बस ट्रिगर दबना बाकी है। हमको लगा कि हाथ पे सुई देंगे, लेकिन गलत जगह दे दी, हम दिखा भी नहीं सकते हैं, तो लग चुकी है फाइनली सुई। जब मार्केट में आ चुके हैं तो कुछ अच्छा चीज़ तो खा के जाएंगे, चाहे वो जंक फूड हो चाहे वो हेल्दी चीज़ हो। आ चुका मैं शॉप पे। लस्सी तो आती है ऐसे ऐसे गिलास में, बहुत थिक और हैवी रहती है, लेकिन हम ये लिए हैं स्पेशल बादाम मिल्क, ये भी 40 ही की है, बट ये ऐसी है, ट्राई करके देखते हैं कैसा इसका स्वाद रहता है। बादाम मिल्क तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। अब सोच रहे हैं कि लस्सी भी पी ही लें, ट्राई कर ही लें और आप लोगों को दिखाई दे कितना ज़्यादा थिक होता है। ये देख लो जी अब थिकनेस कितनी ज़्यादा थिक है, इसके ऊपर मलाई भी है, और ये देखो इतनी बड़ी गिलास। लस्सी पीने के बाद और दूध पीने के बाद तो भयंकर वाला नींद आ रहा है हमको, और पेट तो एकदम ठंडा सा हो गया। स्टेशन पे तो आगे बटाने में रात हो गई, मोए मोए। ये देख लो एकदम रेयर केस है, ये श्रापी ट्रेन, हम तो इसको श्रापी थी कहेंगे ये, क्योंकि जैसे ही ये आई वैसे ही पूरे स्टेशन की लाइट ही चली गई। तो आप लोग क्या कहोगे इस ट्रेन को और इस स्टेशन को, जल्दी बताओ। फाइनली लाइट आ चुकी है, अब थोड़ा सुकून मिला। ये देखो हदी हो गया, स्टेशन पे बाइक लेते आया, तो ये देखो लड़ाई छिड़ गई यहाँ पे। रात भी हो चुकी है काफी और सोना भी है हमको। तो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।